विधायक से मुख्यमंत्री बनने तक के इनके सफर पर। विष्णुदेव साय, किसान के बेटे, जमीन से जुड़े नेता और छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री। गांव के सरपंच से राज्य के मुख्यमंत्री तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन विष्णुदेव साय ने कभी हार नहीं मानी। 21 फरवरी 1964 को अविभाजित मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले के बगिया में पैदा हुए विष्णुदेव साय किसान परिवार से आते हैं, लेकिन राजनीति भी उन्हें विरासत में मिली। 1990 में विष्णुदेव साय ग्राम पंचायत बगिया के सरपंच चुने गए। उसी साल विधानसभा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर तपकरा से विधायक चुने गए और 1998 तक लगातार दो चुनाव जीतकर विधायक के रूप में काम करते रहे। साफ छवि और जमीन से जुड़ाव के चलते बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने 1999 में उन्हें रायगढ़ से लोकसभा चुनाव का टिकट दिया। विष्णुदेव साय ने ये चुनाव भी जीता। 2014 में मिली लगातार चौथी जीत के साथ उन्हें केंद्र सरकार में शामिल होने का न्योता भी मिल गया, जहां उन्होंने 2019 तक केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में इस्पात, खनन, श्रम व रोजगार मंत्रालय का कामकाज संभाला। जून 2020 में पार्टी ने विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया, जहां से उन्होंने पार्टी को छत्तीसगढ़ में दोबारा अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत दी। इसका असर 2023 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। बीजेपी ने राज्य में जबरदस्त वापसी की। विष्णुदेव साय राज्य के नए मुख्यमंत्री बने। सीएम विष्णुदेव साय अपनी विनम्रता, जमीन से जुड़े स्वभाव, काम के प्रति समर्पण और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। अब इनका संकल्प है विकास के पथ पर छत्तीसगढ़ का परचम लहराना। कैसे होगा ये? क्या है छत्तीसगढ़ के समग्र विकास का प्लान? इन्हीं सवालों के जवाब के लिए न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में स्वागत कीजिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का।